अच्छा, जर्मनी में इस हवाले से कि जर्मनी में एक आपने पीएचडी के लिए जाएं या मास्टर के लिए जाएं और इंडस्ट्री में चले जाएं। वैसे नॉर्मली ये केस स्टडी तो मुझे पीएचडी की नज़र आई कि पीएचडी के लिए अप्लाई वो उन्होंने अप्लाई किया और पीएचडी में गए जर्मनी में। और पीएचडी में जर्मनी जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ साथ इंडस्ट्री को टारगेट किया, और इंडस्ट्री में इनडायरेक्टली कैसे आप जा सकते हैं जर्मनी से? जर्मनी तो पहले आप स्टडी के लिए जाएँ। ज़ाहिर है पीएचडी की वहाँ फीसेस तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर आप आउट जॉब करके आपको फिर वो कुछ ना कुछ ट्यूशन फीस नहीं है, लेकिन बाकी आपको एक्सपेंस पूरे करने पड़ते हैं। तो आप पीएचडी अगर आपका शौक़ नहीं है तो ये उनके लिए जो इनका शौक़ नहीं है पीएचडी का, लेकिन वो चाहते हैं कि यार हम किस तरह जाएँ बाहर निकलें, तो वो ये करें कि वहाँ जाएँ और जाके वहाँ पीएचडी में दाखिला लें। वहाँ पहुँच के बाद सर्च करें जॉब, जॉब जैसी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या नाम है वहाँ इंडस्ट्री में। जैसी इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ से क्विट कर दें और इंडस्ट्री को ज्वाइन कर दें और जॉब मिल जाएगी आपको। तो ये मास्टर के बाद नॉर्मली इधर यूके में मैंने देखा है, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है ना तो बेहतर है आप मास्टर डिग्री करके आएँ और उसके साथ पीएचडी में दाखिला लें। और अगर आपका शौक़ नहीं है तो इंडस्ट्री में, या शौक़ नहीं है या वैसे आप समझते हैं कि फीसें क्या देनी है, मैं जॉब में चला जाऊँ इंडस्ट्री में चला जाऊँ, तो आप इस तरह जाना वो इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ये जर्मनी की केस स्टडी मैंने दिखाई है, जर्मनी की एक ऐप भी है, वो मैं इस वीडियो के पोस्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूँ उसकी ऐप, तो वो ऐप आपको दे दूँगा। उस ऐप में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जर्मनी में आपको जॉब वगैरह चांसेस, तो जर्मनी में इधर से आना आसान है। एक और भी तरीका है कि आपको ज़्यादा जर्मनी वहाँ से डायरेक्ट जाएँ, डायरेक्ट भी वो पाकिस्तान से आए हैं ज़्यादा, ये भी पॉसिबल है, या फिर इधर आप यूके या इस तरह यहाँ से आगे निकलना हो तो ये भी आपके लिए ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है।